हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न्स वे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टैरिफ एंड पावर प्लांट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को स्टडी किया था, तो ये आपका पार्ट सेकेंड होगा। 60 ऑनवर्ड इसमें क्वेश्चन को हम लोग लर्न करेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 61 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू बस बार एंड रेडी टू टेक लोड व्हेन स्विच्ड ऑन इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 62 क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफर द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड, तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड इसमें से कौन ऑफर करता है, वो टोस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इंडस्ट्री हैज द लीस्ट पावर कंजप्शन पर टन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिफरेंस टू अ पावर स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूल कॉस्ट, इस कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, ब्लैंक इन इज इनवेरिएबली यूज्ड अ बेस लोड प्लांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट एज ए बेस पावर प्लांट यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, इन ए पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन, क्या होगा, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी जीरो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ब्लैंक फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर प्रॉब्लम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट नीड द लीस्ट पीरियड फॉर इंस्टॉलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डीजल पावर प्लांट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हाईली स्किल्ड इंजीनियर आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द प्लांट, तो इसका के लिए आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। राइट आंसर इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज यूजुअली हाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मो पावर प्लांट। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज इनवेरिएबली यूज्ड फॉर पीक लोड, तो पीक लोड के लिए फ्रेंड्स पंप स्टोरेज पावर प्लांट यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये पीक और बेस्ट दोनों के लिए यूज करते हैं, ये भी पीक और बेस्ट दोनों के लिए यूज होता है, बट पंप स्टोरेज पावर प्लांट ओनली पीक के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो क्या होगा, सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड प्लांट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इट शुड बी कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज कैपेसिटी जनरेटर आर इनवेरिएबली क्या होता है, हाइड्रो कूल्ड होता है, जिसकी इस जनरेटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो हाइड्रोजन से उसको हम कूल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन बी इम्प्रूव्ड, तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फेज एडवांसर यूज करते हैं, फेज कंपनसेटर यूज करते हैं और स्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, तो तीनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मोटर हैज़ रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर एट,
क्या हो जाएगा, नियरली फुल लोड पे। फुल लोड पे कितना होता है, 0.728 होता है, और नो लोड पे होता है 0.223। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ड्यू टू लो पावर फैक्टर। तो क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, इंक्रीज ट्रांसमिशन लॉस, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर गिवन लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अदर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर द सिंक्रोनस कैपेसिटर आर इंस्टॉल। सिंक्रोनस कैपेसिटर एट द रिसीविंग एंड पे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक कैपेसिटर आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ। स्टैटिक कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो KVR में होती है, KVR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 बेस लोड पावर प्लांट यूजली हैव ब्लैंक कैपिटल कॉस्ट, ब्लैंक ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ब्लैंक लोड फैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर इज बी। बेस लोड पावर प्लांट हैव हाई कैपिटल कॉस्ट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड हाई लोड पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, कंटिन्यूस लॉस इन मोटर और नॉइज, सभी इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर इज जनरली। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 0.95 लैगिंग। ये क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर होता है। ये सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर अ पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट रनिंग कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट ऑफ वेजेज, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द होल सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर फॉर पीक लोड प्लांट आर यूजली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंटली एट। तो 50-70% फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 ब्लैंक विल द लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू चार्ज इन सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्लॉक। फॉर सेम मैक्सिमम डिमांड इफ लोड फैक्टर इज डिक्रीज द कॉस्ट जनरेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज अराउंड, क्या होता है, 5 kW होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली एट एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टिंग वेरियस पावर स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाइड। नेक्स्ट है, 91 नंबर, ए पावर ट्रांसफार्मर इज यूजुअली रेटेड इन। तो 91 का आंसर हो जाएगा KVA। पावर ट्रांसफार्मर किस में रेटेड होता है, किलोवोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट है, ब्लैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एसोसिएटेड विथ इरेक्शन एंड सम टाइम रनिंग एट थर्मल पावर प्लांट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स आर नॉर्मली यूज्ड एज। तो क्या हो जाएगा, बेस लोड पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डीजल जनरेटिंग स्टेशन द यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो 15-20 years अराउंड इसकी लाइफ होती है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर एस्टिमेटिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, तो इसके आंसर हो जाएगा एलसीएफ 50-50 फार्मूला। श्रिंकिंग फंड मेथड यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अराउंड 100 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इन ए लोड कर्व द हाईएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स, क्या होता है, इसका आंसर राइट होगा पीक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पावर इज लीस्ट रिलायबल, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्फाइंड टू पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है अ पिलट एक्साइटर इज प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्साइट द पोल ऑफ मेन एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर इज सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू इंस्टॉल्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर की वजह से लो पावर फैक्टर एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। नेक्स्ट है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या है, ऑल ऑफ द एबव, लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट इज इन इंस्टॉलेशन लो लॉसेस। फॉर एनी टाइप ऑफ कंज्यूमर द आइडियल टेरिफ इज, क्या हो जाएगा, थ्री पार्ट टेरिफ। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट इज लिस्ट कंसर्न व्हेन इट इज सेलेक्टेड एज आइदर ए आर बी, पीक लोड या कैजुअल रन प्लांट। नेक्स्ट है पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस्ड एज, क्या हो जाएगा, बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीज होता है तब पावर जनरेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डिप्रिसिएशन चार्ज इन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड्स आर, क्या हो जाएगा, हैवी इन अर्ली ईयर्स, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 का द एरिया अंडर डेली लोड कर्व इज डिवाइडेड बाय 24 आवर्स गिव्स, क्या होगा ये, एवरेज लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिमांड टेरिफ इज जनरली नॉट अप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज देयर मैक्सिमम डिमांड इज लो। नेक्स्ट है अ 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजुअली हाइड्रोजन कूल्ड। नेक्स्ट है फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज, इसका क्या रीजन है, इट हैज हाईली थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है मेजर शेयर ऑफ पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज थ्रू, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी इफेक्ट ऑफ लो पावर प्लांट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, इम्प्रूव इल्यूमिनेशन फ्रॉम लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ऑलमोस्ट इनवेटिवली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन अ स्टीम पावर प्लांट नीड मैक्सिमम मेंटेनेंस अटेंशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम सिलेंडर डायमेंशन एंड स्पीड
विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन विल प्रोड्यूस लीस्ट पावर, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव इंजन विल इक्वल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट शेयर ऑफ पावर इन इज प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डीजल पावर प्लांट लीस्ट पावर शेयर करता है इंडिया में। नेक्स्ट है, सबमरीन फॉर अंडर वाटर मूवमेंट आर पावर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सबमरीन में पावर के लिए क्या यूज करते हैं, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्टरनेटर कपल टू अ स्पेस रन एट लो स्पीड एज कंपेयर टू अदर एज, इस सब में लो स्पीड किसकी होती है, हाइड्रोलिक टरबाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, वोल्टेज पे, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस, तो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन लाइन कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मे बी यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, लाइटनिंग के लिए हॉर्न गैप, रॉड गैप, सर्ज एब्जॉर्बर तीनों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज नॉट मेड बाय अ पावर प्लांट इट विल रिसोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्या आंसर हो जाएगा, लोड शेडिंग 123 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड शेडिंग इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, इन पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका इंश्योरेंस कवर होता है, केवल इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है, ए कंपनी कैन रेज फंड थ्रू 126 से एनी ऑफ द एबव, फिक्स डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिपेएबल आफ्टर ए स्टिपुलेटेड पीरियड, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प इन डिटरमाइनिंग, तो क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, लोड शेडिंग इज डन टू तो रिड्यूस पीक डिमांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लांट रिसोर्ट टू लोड शेडिंग इट कैन बी कंक्लूड दैट पीक डिमांड इज मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज प्रोवाइडेड इंटेंसिव बाय वे ऑफ द रिड्यूस चार्ज फॉर हायर कंजप्शन देन इट कैन बी कंक्लूड दैट प्लांट हैज सफिशियंट रिजर्व कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीथिंग हैविंग सम हीट वैल्यू कैन बी यूज एज फ्यूल इन केस क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, तो दोस्तों ये रहा टैरिफ एंड पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।